हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, बिकॉज सर्दी आ चुकी है तो गाजर का हलवा तो सर्दियों की सौगात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये गाजर मैंने ग्रेट करके रखी है, इसको पैन में डाल देंगे, मिक्स करेंगे एक बार इसको। फ्लेम हमने लो रखी है, मिक्स कर लिया है इसको अच्छे से। अब हम इसमें ये घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी को मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। सारा घी हमने डाल दिया, अब साथ ही हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड कर दी, अब अगेन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट तक पकने देंगे, कवर करके, जब तक के ये थोड़ी गाजर जो है 15 मिनट में नरम हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ ऐड करेंगे। अभी हम इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, कवर हटाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी गाजर जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, मगर इसमें पानी अभी भी है क्योंकि अभी ये टोटली कुक नहीं हुई है, सिर्फ गाजर सॉफ्ट हुई है। तो अब हम इसमें ये पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह खोए का यूज़ भी कर सकते हैं, इससे खोए वाला टेस्ट ही आएगा। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सर्दियों। बाहर से तो इजीली मिल जाता है, मगर घर में साफ़ सुथरा बना हुआ खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसका पानी खुश होने तक इसको पका लेंगे कवर करके। कवर हटाएंगे, चेक करेंगे कि पानी खुश हो गया है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, पानी इसका अच्छे से खुश हो गया है। ये देख सकते हैं आप, पानी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें और 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। 2 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली, फ्लेम ऑफ करेंगे। और अब ये चॉप किए हुए बादाम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मिला लेंगे अच्छे से, ये अच्छे से मिला लिया। और अब इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े का लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, ये देख सकते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस सा, बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा रेडी हो गया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।